हैप्पी होली इन एडवांस, मतलब छोटी होली है। और अभी मैं दही बड़ा का सब कुछ हो चुका है मेरे, मतलब चला सकती हो तुम, कोई दिक्कत नहीं। दही बड़ा पीछे गुड्डू देख रहे, दाढ़ी बढ़ा के रखे हुए हैं। मैं बोली हूँ होली नहीं खेलूँगी, फिर भी दाढ़ी बढ़ा के रखे हुए ताकि उसके ऊपर रंग ना जाए। और दही बड़ा का, जिसे आप लोग दही भल्ला बोलते हैं, उसका सब कुछ ये बन के रखा हुआ है। मीरा इसको अच्छे से मिलाई है। और ये जो है रात भर उड़द की दाल, जो मैं नमक डाली और थोड़ा सा खाने का जो सोडा होता है वो डाली, उसके बाद जो खूब अच्छे से मीरा मिक्स की। और जब एकदम से जब वो पानी में छोड़े, और पानी में छोड़ने के बाद क्या होता है ना, जब आप कोई भी छोटे से कटोरी में या भगोने में आप पानी लेते हो, उसके अंदर आप इसके अंदर जब थोड़ा सा डालते हो ना, और वो पानी के ऊपर आ जाता है ना, तो समझो कि आपकी वो एकदम आपका हल्का हो गया। यानी कि उसका अगर मेदू बड़ा बनाते हो, मतलब दही बड़ा बनाते हो, तो बहुत सॉफ्ट होगा। तो ये बन गया। और जब वो बन गया, उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा जिंजर यानी कि अदरक और थोड़ा सा हरी मिर्च जो है ग्राइंडर में ग्राइंड करके डाल दी हूँ। बहुत लोगों को अंदर में अदरक और हरी मिर्च डाला हुआ अच्छा नहीं लगता है, तो आप चाहो तो नहीं भी डाल सकते हो। बहुत लोग इसके अंदर क्या करते हैं, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स जैसे कि काजू किशमिश और ये सब भी डाल देते हैं, तो आपकी इच्छा हो तो आप उसके अंदर डाल सकते हो। लेकिन पहले ग्राइंडर में ग्राइंड करें फिर डालें, उससे क्या होगा आपका मेदू वड़ा जो है ना वो बीच में वो फूटेगा नहीं। तो बहुत लोग मेरे मायके में भी बनता है तो इसके अंदर वो ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं यानी कि काजू और किशमिश वगैरह, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। गुड्डू को एक्चुअली अच्छा नहीं लगता मीठा, और मुझे भी क्योंकि वो मायके वाला टेस्ट छूटे हुए 20 साल से ज़्यादा हो गए, तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो ये बना के रखी हुई हूँ, और अभी मैं बनाने वाली हूँ इसका दही। तो इसका दही कैसे बनाते, थोड़ा सा चटपटा, बहुत लोग वो इमली का पानी भी साथ में रखते हैं, मीठा है पानी इमली का, लेकिन मैं नहीं बनाती हूँ। इसलिए बनाओ क्या, मीठा वाला पानी चाहिए क्या? नहीं नहीं चाहिए, वो किसी को नहीं चाहिए होता है, तो वो नहीं करना है मुझे। ये कढ़ी बड़ी जो है उसका वो बेसन जो है घोल के रखी हुई हूँ। और हम लोगों के यहाँ संबत में जो है वो पांच बड़ी जो होता है वो आग के अंदर जो है ना वो ऐसे लकड़ी में डालते हैं और उसके अंदर जो है डाल देते हैं। तो वो उसके लिए पहले होली का जो कल का जो भी मुझे सामान बनाना शुरू करता है करना है, तो सबसे पहले मुझे वो भगवान के नाम से निकालना है पांच बड़ी, उसके बाद ही बाकी सब खाना का शुरुआत होगा। तो ये भी मैं मिला करके अच्छे से रख चुकी हूँ, और अभी जो है बड़ा का मसाला बनाऊंगी। तो आज बनाने वाली हूँ दही बड़ा, कढ़ी बड़ी और सेवई का खीर और चावल। तो आज रात में यही होने वाला है, थोड़ा सा कचौरी भी रहेगा या आलू का कुछ बना दूंगी ताकि सब लोग खा सके। ठीक है, तो अभी शुरू कर रही हूँ, और क्या क्या मसाला डालती हूँ आप देखो। क्योंकि बड़ा में भी नमक रहेगा, नमक है तो इसके अंदर थोड़ा सा नमक, क्योंकि बाकी सब भी नमक इसके अंदर जाने वाला है, तो थोड़ा सा मैं नमक डालने वाली हूँ। तो तकरीबन 1 स्पून के करीब में मैं नमक अभी तत्काल डाल रही हूँ, कम लगा तो फिर बाद में दूंगी मैं, तो थोड़ा सा और 1 चम्मच से ज़्यादा। और 2 लीटर दूध का मैं दही जमाई थी, तो जो है उसका मैं बना रही हूँ, तो हाफ यहाँ रख ली हूँ और हाफ जो है वो निकाल के अलग रख दी। उसके बाद जो सेकेंड इन्ग्रीडियंट इसके अंदर डाल रही हूँ वो है चाट मसाला, और चाट मसाला तकरीबन मैं इतना लेने वाली हूँ, थोड़ा चटपटा बनाने वाली हूँ, तो थोड़ा 1 स्पून के करीब में चाट मसाला। और बाकी जो खाने को के टाइम में क्या होगा उसके ऊपर जो है मैं छिड़क के देने वाली हूँ। तो ये हो गया। कर ये जो है वो काली मिर्च है यानी कि ब्लैक पेपर, ये काली मिर्च, तो ये थोड़ा सा। उसके बाद जो डालने वाली हूँ ये है काला नमक यानी कि रॉक सॉल्ट, काला नमक ये तकरीबन 1 स्पून डाल रही हूँ, 1-2 स्पून छोटे वाले स्पून। और मेरे फैमिली में सब तीखा खाते हैं, तो मिर्ची जो है तो आप अपना टेस्ट के अनुसार ले ले, मैं थोड़ा मिर्ची थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ, थोड़ा स्पाइसी रहता है। उसके बाद ये है जीरा पाउडर भुना हुआ, बस तवा पे पहले थोड़ा भुनी हूँ उसके बाद इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये भी तकरीबन, इसके बगैर दही बड़ा सही नहीं बनता, तो ये तकरीबन मैं डालने वाली हूँ 1.5 स्पून के करीब।
ये सब अभी इसको मैं अच्छे से मिलाऊंगी। ये देखिए कलर, क्या कलर आया है ना। थोड़ा सा इसके अंदर मैं पानी डालूंगी ताकि जब मैं बड़ा मिलाऊं ना तो फिर आराम से जो है इसके अंदर, और गोल्डी इसकी खुशबू से आ गई है लेकिन इसको अभी नहीं मिलेगा, कुछ भी जूठा करने को नहीं मिलेगा जब तक भगवान के लिए कुछ नहीं निकालूंगी। तो ये देखिए यम्मी यम्मी दही वड़ा का सब कुछ हो चुका है, दही वड़ा का सब कुछ हो चुका है और थोड़ा स्मेल आ रहा है। ये पेटू लड़की और अंशु गुस्सा में बेडरूम में बैठा है। अब पूछोगे क्यों? मैं तो होली में खाने के ही इंतजार में बैठी रहती हूं। अब आप पूछोगे क्यों गुस्सा में बैठा है, तो आप किस कर रहे पढ़ने जा बेटा। बेटा वाला डायलॉग नहीं मारी अभी, थोड़ा गुस्सा वाला डायलॉग मारी। अंशु पढ़ने जाओ, थप्पड़ मारूंगी नहीं बोली हूँ, पढ़ने जाओ नहीं तो देख लो, मेरा डायलॉग ये रहता है। थप्पड़ मारे हुए तो साल हो गया, मुझे लगता है 4-5 साल हो। तुमको मारे हुए कितना साल हो गया? मुझे तुम लास्ट मारी थी थर्ड स्टैंडर्ड में मारे थे, उसके बाद से इसको नहीं मारे। और अंशु को हाय हाय हाय, क्या पता कल कब, क्या पता कल ही थप्पड़ लग जाए, इसलिए गोल्डी अपना नजर खुद उतार ली। ये टॉवेल साफ हो रहा है ना, इसलिए इससे पोछ लेते हैं सब कुछ। तो गोल्डी का कितना भी जीत चटपट आए लेकिन ये जो है नहीं मिलने वाला है। इसे थोड़ा सा पानी डालूंगी और जो बड़ा इधर कराही कर, मेरे पापा को फोन लगा, इतना छोटा सा लकड़ी इसके अंदर बाल गिरेगा, दूर जा करके करो। मम्मा का ऑयल लगाई थी, हाँ वो ऑयल लगाई थी, उसका वीडियो अपलोड करने वाली हूँ मैं, अभी तक अपलोड नहीं की। आप लोग देख, हे भगवान, मम्मा भी लगाई थी। तेरे बाल को मत खोलो, अभी काम करना है। आज रंग बिरंगी कलर का साड़ी पहन करके भटक रही है। होली के दिन कल पहनना चाहिए तो आज पहन गया। तो चलो चलो अभी मुझे, अभी मुझे बहुत काम है। दही वड़ा का आप देख रहे हो ना बन चुका है, थोड़ा सा इस पे सोच रही हूँ पानी डालूं। क्या होता है, अंशु पढ़ रहा है गोल्डी, क्या होता है बहुत ज्यादा अगर आप पानी इसके अंदर डाल दोगे ना तो वो पानी वाला है ना, तो वैसा नहीं बनाना मेरा। उनसे तो मेरे भी पानी आ रहा है लेकिन अभी नहीं खा सकते। इधर कढ़ाई धोली हो गया, चलो पांच पहले बड़ा का कर लेती हूँ मैं। मीरा दीदी देखिए मैं कल क्या क्या बनने वाला है। ये देखिए ये ग्लास है, मैं देखिए ये ग्लास है, वो समझ जाएंगे। देखो मीरा ऐसे कैसे लाइट जल रहा है। अच्छा मीना अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इसके अंदर ढक्कन लगा रही थी क्योंकि इसके दिमाग में ढक्कन है, दिमाग उसमें ढक्कन लगाई थी। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, पानी के प्रेशर से इसका अंदर का स्विच होगा कुछ वो जल जाता है। चलो अभी सारा डाइनिंग टेबल थोड़ा क्लीन करो, सारा खाना का पकवान बन रहा है, मैं तो इसी का इंतजार करती हूँ, होली खेलने का इंतजार नहीं करती मैं, ठंड कर रही खा लूं, इतनी खा सकती हूँ। कटहल की सब्जी बन रही है, कल बनेगा कटहल की सब्जी, का कटहल की सब्जी कल बनेगा, आज बनेगा कढ़ी बड़ी, कढ़ी बड़ी और सेवई की खीर, सेवई की खीर, और कल पुआ बनेगा, पुआ। I'm so happy। और ये पेटू मम्मा को, और इतने सारे नहीं मुझे मत लगाना गलती से, मुझे बहुत ज्यादा कलर से अलग नफरत पता है, खुद सबको ले लेके होली है, होली मैं बस लास्ट मुझे लगता है 6-7 साल पहले, 6-7 साल नहीं 9-10 साल पहले होली खेली थी मैं, जिसमें होली का मजा तब है जब तक सामने वाला है ना, जब तक उसका गंजी वंजी फारो नहीं, तो मैं और अच्छे से 9th में जब मैं थी तब खेले, हाँ 9th में ये थी ना, उससे मैं मेरी छोटी वाली ननद थी, माय गॉड छोटी वाली ननद मेरी आई हुई थी, पता है क्या बाहर से आई सारा मिट्टी मिट्टी लेके, माय गॉड
फ्लावर पॉट के अंदर है ना, और मुझे ना वो घर का बना हुआ खाद का दिल खुआ था। मैं उसके बाद आज तक वो खाद नहीं डाली हूँ। होली के एक दिन पहले क्या फितूर आया था, पूरा तीन जो पापा से बात हुई थी तो पापा बोले थे बेटा जो भी पेड़ सूख रहा हो सब में आप चाय का पत्ती डाल दीजिए, आपका पेड़ जो हरा भरा। मैं अपने पापा का बहुत बात मानती हूँ, मैं बोली चलो बेटा लग जाओ। मैं ना पूरे दिन भर में जितना चाय बनाई थी ना सारा पत्ती स्टोर की। एक्चुअली ऐसे लगाने के बाद नीचे गिर गया था ना, उसको भी ले लेके लगा रही थी। ओह माय गॉड। तो मैं ना सारा जो है खाद वो मैं जमा कर रही थी और सारे पेड़ में डाल रही थी। अब पापा बोले एकदम, अब बस क्या पता था मुझे कि वो खाद पेड़ को नहीं, वो खाद मुझे दूसरे दिन लगने वाला। सारा पब्लिक की वो चाय पत्ती वो मिट्टी वो ऐसा बदबू था ना, सब मेरे बॉडी पे आ रहा था इतना गंद। अरे 30 मिनट्स नहीं तो फ्री है ना गोल्डी? गोल्डी को बोली आज थोड़ा पिज्जा मंगा दीजिए, आज बहुत खाना बनाना है तो आज पिज्जा मंगा दीजिए, थोड़ा पिज्जा खा लेते। मैं आज आपको अपनी मीरा को नहीं दिखाई हूँ ना, मैं अपनी मीरा को दिखाती हूँ। मीरू 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 जरा इधर देखो, मीरू 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 देखो, क्या सारी है मीरा का। मीरा का पता है क्या है, यहाँ पर दो क्लिप, दूर से ही वो लाइट मारता है, दोनों क्लिप एक जगह लगाती है। 30 मिनट्स मीरा मौसी स्टाइल। यस, सबका अपना स्टाइल होता है, मीरा का भी एक स्टाइल है। कोई पीछे साइड से देख रहा है, ओह मीरा मौसी है। नहीं, मीरा ना बैक से बड़ी खूबसूरत लगती है, मतलब पीछे से मीरा बड़ी खूबसूरत, मीरा साइड से पीछे से। हाँ बहुत लोग है ना पीछे से बड़े खूबसूरत दिखते हैं, जब फ्रंट बैक उनका देखिएगा ना। मीरा को बहुत हंसी आ रही है, लेकिन रियल बात है, फैक्ट है, पता है बहुत बहुत लेडीज होती हैं जो 60+ हो जाती है लेकिन उनका बैक बड़ा खूबसूरत रहता है, जब वो पीछे से रोड पे जाती रहती है या फिर कहीं जाते रहती है ना। मैं जैसे हूँ चाहे कोई भी होती है। नहीं नहीं मैं अपनी तारीफ की नहीं हूँ, बोली ना जैसे मैं, नहीं जैसे मेरे जैसे लोग वो बोल रही हूँ मैं। तो जैसे रोड पे जा रहे हैं ना, तो यार ये ना गोल्डी, मैं गोल्डी को बोलती हूँ पीछे से ना ये बड़ी सेक्सी लग रही है, मीरा पीछे से बहुत अच्छी लग रही है। मम्मा को एक लिप बाम लगा रही हूँ, बहुत अच्छा है, तो तुम मुझे मिल नहीं रहा दो दिन से। मिलेगा भी नहीं, छुपा दी होगी। छिपाने में महारत हासिल है। क्या चीज छिपाने? मेरा लिप बाम भी छिपा। देखो मैं दोनों दो चीज बड़ा अच्छे से छिपाती हूँ, एक बात एक सामान, दोनों बहुत अच्छे से छिपाती हूँ। अगर मुझे कोई बात किसी को नहीं बताना है, मुझे अगर एक्चुअली धृतराष्ट्र का श्राप है कि औरत, धृतराष्ट्र नहीं सॉरी युधिष्ठिर जो है वो श्राप दिए थे, युधिष्ठिर का श्राप मेरे ऊपर नहीं लगा, मैं बात को बहुत अच्छे से पचाती हूँ। हाजमा मेरा फ्रेश करने का, मेरा मूड फ्रेश करने का, इसी बात को पिला दो, बना के पिला दो। तुम डेक्ची ले रही हो, कितने घोलू पानी? अरे यार ग्लास नहीं घोल के पिला दो, एक ही डेक्ची थोड़ी है, दूसरे डेक्ची में पिला दो। नहीं मुझे ये डेक्ची अच्छा। अरे नहीं यार छोड़ो, आज दूसरे डेक्ची में आज हम पुआ बनाने वाले हैं, दूसरा डेक्ची मत लेना। यार सारा टॉपिक ही ये लोग घुमा करके रख देते छोड़ देते। हाँ तो युधिष्ठिर का श्राप मुझे नहीं लगा हुआ है, थोड़ा लगा हुआ है, कभी कभी कोई बात कमी से निकल जाता है। हैंड सैनिटाइजर जरूर लगा, हैंड सैनिटाइजर जरूर लगाएं, अपने आप को क्लीन रखें, अपने आप को क्लीन रखें बाहर, अगर जरूरी हो तभी निकले बाहर। मतलब हवा से भी फैलता है ना ये, हर 30 मिनट्स में एवरी हाफ एन आवर आप हैंड वॉश करो। कहाँ देखी थी गोल्डी? क्या सियासे भाई ऊपर वाले चीज वाले में? उससे वॉश करो, सैनिटाइजर कम जितना, मतलब आप बाहर जाते हो
कहीं पे हाथ धोने का अनेक सुविधा नहीं है तो आप सैनिटाइजर यूज करो, सैनिटाइजर यूज करो और थोड़ा चलो अभी बाहर अगर निकलो तो मास्क पहन के निकलो, वैसे तो अवॉइड करो बाहर जाना। हाँ हेल्थ मिस्ट्री बोली है कि क्योंकि हवा से फैलता है तो बाहर जाना अवॉइड करें। अरे मुझे शक्कर पीसना है मेरा, और निकले तो मास्क पहन लो। हाँ ये गाना है ना, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने तुमको अपनी किस्मत की लकीरों से, तो इसका एक नया गाना है। मिले हो तुम हमको बड़े, मिले हो तुम मुझको बुरे नसीबों से, मिले हो तुम मुझको बुरे नसीबों से, फसाया है मुझको अच्छी तस्वीरों से। नहीं 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 ज्यादा जोर नहीं लगा, मीरा को बोले मीरा इसके अंदर पानी है तो ज्यादा जोर लगाएंगे तो पटाख से फूट जाएगा। अमले भैया ज्यादा जोर मत लगाओ, कम ही रहने दो इसको। पहले मुझे स्लैब धो लेने दीजिए, फिर आप दीदी सब कुछ बनाना शुरू कीजिएगा। तो क्या कर सकते हैं ना, मीरा को धोने ही देते हैं तब तक सब कुछ ये सब कर देते हैं। पता नहीं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर तो नहीं कर पाऊंगी कैसे बनाना है क्या, लेकिन आपको मैं बता दी हूँ ना। अभी बस उड़द की दाल को क्या करना है, उसको क्या करना है राई तेल में, वो फ्राई करते समय मैं दिखलाऊंगी आपको थोड़ा सा। हाँ उसी में डाल दो, उसी में डाल, बाहर ही रहने दो ना, उसी में, उसी में। ओ कद्दू नहीं है वो, अभी फ्रिज बहुत छोटा पड़ता है। सेवई निकाल लूं बनाने के लिए, गोभी का चल। चलिए अभी शुरू करती हूँ मैं सब कुछ जगह पकड़ाना।
इजी है बनाना ये, बस इसका जो इसको मिक्स करना है ना हाथ से, थोड़ा सा उस पर पेशेंस रखना पड़ता है। अगर वो अगर आप अच्छे से मिक्स कर लेते हो तो ये आपका जो दही भल्ला है ये बहुत टेस्टी बनेगा। तो ये अब दही के अंदर जो है ये एब्जॉर्ब, दही को पूरा अंदर से सोख लेगा और ये एकदम जब आप जहाँ अपने स्पून से कट करते हो आप माउथ में डालते हो कि माउथ में ज़्यादा ही गायब हो जाएगा, एक अलग सा टेस्ट आएगा। जब मैं इसको सर्व करूँगी तो एक बाउल में इसको एक या दो पीस जिसको भी देना है वो डालूंगी, ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर दे करके और फिर वो सर्व करूँगी, तो टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। जब मैं इन सबको इसके अंदर डाल दूंगी, जो बाकी मेरा बचा है वो सबको डाल दूंगी, तो थोड़ा सा ऊपर से और भी जीरा पाउडर डाल दूंगी ताकि वो देखने में है वो अट्रैक्टिव दिखे। इसको रूम टेम्परेचर में नहीं रख सकते हो आप, अगर आप फ्रिज में रखते हो तो आराम से ये 3 से 4 दिन तक आप खा सकते हो। तो ये मेरा बन चुका है दही भल्ला। अब इसको हाफ एन आवर के बाद ये बाकी सब इसमें डाल दूंगी और मेरा दही बड़ा जो है, सॉरी, और मेरा जो कढ़ी बड़ी है उसका बड़ी जो है वो ऐसे तला के इसके अंदर ये दही है इसके अंदर डाल चुकी हूँ। अब बस मुझे अब कढ़ी बनाना है। वो दही है, दही को तोड़ चुकी हूँ मैं, तो अभी इसका प्रोसेस हो गया, इसे साइड में रखते हैं। फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो आपको लगने वाला है कढ़ी बनाने के लिए वो है राई तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल, और मस्टर्ड ऑयल मेरे कढ़ाई में है जिसमें मैं बड़ा बनाई हूँ, वही वो राई तेल में ही बड़ा को फ्राई करते हैं, वो बाकी और किसी ऑयल में नहीं फ्राई करते हैं, नहीं तो वो अच्छा नहीं बनता। तो जो तेल बचा था बहुत ज़्यादा तो उसको आधा मैं निकाल चुकी हूँ और जितनी मुझको लगनी है क्वांटिटी उतना मैं रखी हूँ, यानी कि 3 से 4 चम्मच आपको राई तेल ले लेना है। उसके बाद आपको चाहिए जीरा, 1 चम्मच जीरा। उसके बाद अगर आप स्पाइसी खाते हो तो 3 या 4 लाल मिर्च सूखा वो डाल सकते हो, फिर तेज पत्ता, फिर आपको लगना है हींग, जो भी आप हींग खाते हो वो हींग, उसके बाद स्वादानुसार नमक, और उसके बाद लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, बस इतना ही आपको लगना है। तो तेल थोड़ा सा हो गया है गर्म, अगर तेल अगर आपको लग रहा है कि अगर आपको एक्चुअली कढ़ी को बहुत तरह से बनाते हैं यानी कि 10-20 तरह से कढ़ी बनता है, लेकिन मैं जो बनाती हूँ बहुत सिंपल मुझे लगता है ऐसे बनाना। तो अभी मैं करूँगी जीरा को डालूंगी पहले, उसके बाद मैं लूंगी हींग, और हींग जो है मैं 1/2 स्पून के करीब में हींग डाल रही हूँ। और जब जीरा और हींग थोड़ा सा भुन जाता है, थोड़ा सा, तब मैं डालूंगी तेज पत्ता और लाल मिर्च सूखा। एक मिनट के करीब मैं इसे भूनूंगी। अब मैं गैस को या तो कम कर दूंगी, और अगर मुझे लगे कि मेरा तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। तो मेरा क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है तो मैं गैस को ऑफ कर चुकी हूँ। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ टेस्ट के हिसाब से, मैं थोड़ा तीखा खाती हूँ तो थोड़ा सा स्पाइसी, तो 1 चम्मच और 1/2 चम्मच, 1.5 चम्मच में लाल मिर्च पाउडर दी हूँ, उसके बाद 1 चम्मच और थोड़ा सा हल्दी दी हूँ, उसके बाद जो है धनिया पाउडर मैं वो भी 1 चम्मच और 1/2 यानी कि 1.5 चम्मच धनिया पाउडर दी है। फिर इनको मैं अच्छे से कर रही हूँ मिक्स, और गैस अभी भी ऑफ है, ठीक है। अब ये मैं ले रही हूँ बेसन जिसको मैं पानी में घोल के रखी थी, आप चाहो तो 1/2 आवर पहले, मैं मोस्टली क्या करती हूँ जब कढ़ी बनाना होता है तो 1/2 आवर पहले बेसन को घोल के रख देती हूँ पानी के अंदर, सिर्फ पानी है इसके अंदर, नमक वगैरह नहीं है। इससे क्या होता है ना, बेसन का जो जो एक दो अगर पानी में डालने पर जो दाने आ जाते हैं ना वो सब भी टूट जाता है, तो मैं धीरे से इसके अंदर डालूंगी। अब मैं इसको चलाऊंगी और अब मैं गैस को ऑन करने जा रही हूँ। पानी थोड़ा ज़्यादा रखती हूँ बेसन के अंदर, या अभी इसको मैं मिलाने वाली हूँ, कंटिन्यू इसको मिलाएं। और कढ़ी बनाते समय एक ध्यान देना चाहिए
अगर आप राइट टू लेफ्ट मिला रहे हो तो आपको राइट टू लेफ्ट ही घुमाना चाहिए। अगर तुम आप अगर थोड़ा सा भी उल्टा घुमाते हो ना तो कढ़ी जो है उसके फटने के चांस रहते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगी, गैस को कम कर दूंगी और इसे हिलाती रहूँगी जब तक ये बेसन पक ना जाए। बन रहा है कढ़ी, तब तक मैं क्या करती हूँ, इधर बाजू में जो है वो सेवई का खीर बना लेती हूँ। सेवई का खीर बनाने के लिए एक पैन ले रही हूँ और अच्छे से स्मेल करके देख रही हूँ कि ये साफ है कि नहीं। और साफ है कि नहीं है ये देखने के लिए इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी, ताकि अगर थोड़ा सा भी ऑयली है तो वो ऑयली जो है वो पानी के साथ निकल जाए और उसके बाद सेवई का प्रोसेस शुरू करें। और मेरा ये बड़ा भी जो है वो हो चुका है, इसका पानी भी मैं निकाल रही हूँ, साथ में सब काम हो रहा है। बेसन जो है एकदम से अच्छे से पक गया। अब आप कैसे समझोगे कि बेसन एकदम अच्छे से पक चुका, जब ये किनारा छोड़ देता है, मीन्स जब आप जब ये देखिए बेसन कैसे ये किनारा छोड़ना शुरू कर देता है, यानी कि आपका बेसन पक चुका। जब ऐसे किनारा छोड़ता है ना तो अब एकदम पक चुका है, किनारा छोड़ना शुरू कर चुका है। अब मैं गैस का फ्लेम कम कर रही हूँ और उसके बाद जो है मैं डालूंगी ये दही के साथ जो मैं बड़ी डाली हुई थी वो। अब इसको मैं चलाऊंगी अच्छे से, फ्लेम आपका लो ही रहेगा, फ्लेम आपका तेज नहीं रहेगा। एक से दो बार जब ये ऊपर से लगे कि आपको ये बॉयल होने लगा, फिर से जहां दो बार उबलता है कि आप क्या करो कि इसको जो भी जिस बर्तन में भी आप बना रहे हो ना उससे गैस को ऑफ कर दो और कवर करके छोड़ दो। उससे क्या होगा, इसके अंदर का जो भी एरोमा है ना इसके अंदर ही रह जाएगा और आपका खीर और टेस्टी बनेगा। कवर करके तकरीबन 5 मिनट छोड़ देंगे और उसके बाद जो है सो कि आप इसको आराम से खा सकते हो गर्म गर्म फुलके के साथ, चपाती के साथ। चपाती के साथ अच्छा नहीं लगता, गर्म गर्म फुलके के साथ या फिर चावल के साथ। तो मुझे ये देखिए कैसे बॉयल हो रहा है ये, बड़ी इसके अंदर वो फुल रहा है, एकदम से फुल गया, एकदम सॉफ्ट हो गया इसके अंदर बड़ी, परफेक्ट करे। अब मैं गैस को कर रही हूँ ऑफ और इसको कर रही हूँ कवर, ताकि इसके अंदर जो है इसके जो है वो सारे फ्लेवर जो है इसके अंदर रह जाए। और जब 5 मिनट के बाद इसका कवर हटाऊंगी और जिस बर्तन में मुझे डालना है उसके अंदर इसको मैं डालूंगी। आई होप कि आपको मेरा खाना सब अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो जरूर लाइक और शेयर भी कीजिएगा और अगर मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा।